नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जितने सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले मैं बात करूंगा केआई इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, केआई इंडस्ट्रीज बेसिकली देखा जाए तो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। देखिए, जिस तरीके से पॉलीकैब भागते चले जा रहे हैं उस तरीके से केआई इंडस्ट्रीज भी भागते चले जा रहे हैं। मुझे लगता है दोनों कंपनी कंपटीशन कर रहा है कि कौन आगे जाएगा। तो आप खुद ही देखना, चार्ट पैटर्न में दिखाऊंगा। पिछले वीडियो में मैं पॉलीकैब के बारे में चर्चा किया हो, आप वहाँ पे देख ही चुके हैं कि पॉलीकैब लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया है। उसी तरीके से केआई इंडस्ट्रीज भी लाइफ टाइम हाई के ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली दोनों कंपनी बहुत शानदार है। मैं आज केआई इंडस्ट्रीज के बारे में चर्चा करूंगा। इस कंपनी का अगर क्वार्टरली सेल्स का ग्रोथ देखा है तो 18% है और प्रॉफिट का ग्रोथ है 22%। तो बेसिकली एक शानदार तरीके से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। आरओसी एंड आरओई दोनों ही देखा जाए तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा पॉजिटिव देखने को मिलेगा और डेप्थ भी कम है। और इस साल में कंपनी डेप्थ को और एक स्टेप कम किया है। कितना डेप्थ कम किया, चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। पिछले साल में कितना था, 355 करोड़ के आसपास, और 2023 में कितना बना, 162 करोड़ के आसपास। आप कहेंगे सर इस साल में तो कंपनी 166 करोड़ के आसपास बोरिंग्स को लेके गए तो कम तो नहीं हुआ। हाँ, ये जो एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिला ना, यहाँ पे जो आपको देखने को मिला वो एक्चुअली प्रीवियस ईयर का 2022-23 का डेटा है। जब यहाँ पे अपडेट हो जाएगा तब आपको वो डेटा देखने को मिल ही जाएगा। तो बेसिकली शानदार तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस कंपनी के देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर इस कंपनी के में बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूँ कंपनी के सेल्स के बारे में, तो इस बार कंपनी हाइस्ट सेल्स जनरेट किया और एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट 138 करोड़ से 169 करोड़ तक देखने को मिला। बेस्ट तरीके से कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला है, अच्छा खासा कंपनी का ग्रोथ देखने को मिला है। उस बेसिस में कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है उसके हिसाब से बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिलेगा। तो इंस्टीट्यूशन क्यों इस कंपनी का इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो लोग बेवकूफ़ है? बिल्कुल नहीं। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है और इस कंपनी आगे बढ़ने का बहुत हाई पोटेंशियल ग्रोथ है, क्योंकि केबल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ग्रोथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि देखिए आप जिस कंट्रीज के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होगा उस कंट्रीज में केबल मैन्युफैक्चरिंग का भी ग्रोथ होगा, क्योंकि केबल का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इस बेसिस में इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हो। शायद जैफरीज जो एक बड़े इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने भी केआई इंडस्ट्रीज के ऊपर एक बहुत बड़ा टारगेट रखा। उनका टारगेट है 4,770 रुपीज़ के आसपास। उन्होंने बाइंग का एंट्री कहाँ पे दिया, 3,850 के आसपास। तो बेसिकली एक अच्छा खासा बाइंग रेटिंग दिया उन्होंने और टारगेट भी बड़ा रखा है। तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा टारगेट उन्होंने यहाँ पे रखा गया है, एक टारगेट अच्छा खासा उन्होंने होल्ड करने के लिए बोला, क्योंकि खुद उन्होंने कहा कि कीप एट बाई कितना, 3,850 के आसपास। अभी देखिए मेरा जो एंट्री था वो मैं आपके साथ शेयर किया था, एक छोटा सा काफ़ी धन्यप्रदेश बना और ब्रेकआउट होने के बाद शानदार तरीके से टारगेट का अचीव किया। अभी देखिए वो टारगेट कितना हुआ, 17%। तो बेसिकली 17% का टारगेट मिला। अभी एक ही रेंज के ऊपर कंपनी क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो जब एक ही रेंज के ऊपर कुछ टाइम बिता है उसके बाद ब्रेकआउट किए तो एक अच्छा खासा एंट्री फीस से मुझे मिलने का चांसेस रहेगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इजीटी प्लानर। देखिए इजीटी प्लानर के ऊपर बहुत दिनों से मैं एक एंट्री लेकर रखा हूँ और ऑलमोस्ट मुझे लॉसेस चल रहा है इस एंट्री में, और किस तरीके से लॉसेस चल रहा है और कहाँ पे मेरा एंट्री है सबसे पहले वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, और किस कारण के वजह से लॉसेस चल रहा है वो भी मैं डिस्कशन करूँगा। तो बेसिकली देखा है तो कंपनीज के ऊपर जो कप विद हैंड पैटर्न्स बना था, एक्चुअली शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। देखिए इसका मतलब क्या है, एक रेंज बना था, इस रेंज के अंदर एक छोटा सा देखिए क्या बना, एक शोल्डर। तो शोल्डर बना, उसके बाद एक क्या बना, एक हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना था। और जब भी इस लेवल को ब्रेकआउट किए और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन किया तो मैं इंतजार किया जब भी वो रिटेस्ट करेंगे उस लेवल को तब एंट्री लूँगा। तो यहाँ पे मेरा एंट्री है। एंट्री होने के बाद देखिए कंपनी के क्रैश हुआ था, एक करेक्शन हुआ था, 200 डेज मूविंग एवरेज ने उसको सपोर्ट दिया और बेसिकली यहाँ से कंपनी फिर से बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है। और बार बार देखिए, एक बार दो बार तीन बार और चार बार इस 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा इतना आसानी से वो ऊपर जाएगा, क्योंकि बेसिकली कंपनी के जो परफॉर्मेंस है इस बार परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब हुआ। मतलब क्या है, आप ध्यान से देखेंगे जो पिछली बार का जो मतलब प्रॉफिट का ग्रोथ था
मतलब कंपनी की जो सेल्स का ग्रोथ था, आप देखेंगे तो मार्च में 430 करोड़ के आसपास सेल्स था, इस बार 463 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ, सेल्स होने का चांसेस है। तो बेसिकली देखें तो अच्छा खासा सेल्स है। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए, ग्रोथ तो हुआ मगर मुझे नहीं लगता उतना हाई ग्रोथ होगा, क्योंकि पिछले सालों के अगर डेटा देखा जाए तो कंपनी का सेम टू सेम कंपनी का प्रॉफिट हुआ था, और इस सेम टू सेम प्रॉफिट होने के कारण कंपनी ग्रोथ थोड़ा सा रुकने के कारण कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर इस बनता हुआ देखने को। देखिए पहली बात, कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो स्मॉल कैप के ऊपर हमेशा किसी भी कंपनी से अगर इन्वेस्ट करे तो स्मॉल कैप कंपनी के ऊपर हमेशा कोई भी अगर नेगेटिव सिचुएशन देखने को मिले, थोड़ा सा वीकनेस सिचुएशन देखने को मिले, तो एक बिग फॉल देखने को मिल ही जाते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, और बेसिकली कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है वो प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास अच्छा खासा आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। हाँ, बेसिकली कंपनी के ऊपर FSDS के पास खास इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि पहले ही बोल चुका हूँ कंपनी एक छोटा सा कंपनी, 7,500 करोड़ के आसपास कंपनी है, तो जो कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस फ्यूचर में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन जो टिकट बेचने वाला जितने सारे कंपनीज है वो धीरे धीरे करके ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्रीज जो बहुत सारे लॉस मेकिंग कंपनी थे वो धीरे धीरे करके प्रॉफिट में आ रहा है। कहाँ से प्रॉफिट में आ रहा है? तो उस सेक्टर अगर प्रॉफिट में आए तो उस सेक्टर में जो प्रोडक्ट बेचने वाला कंपनी है वो भी प्रॉफिटेबल रन करेंगे। और इंडिया में अभी फिलहाल के लिए दो ही कंपनी प्रॉफिटेबल में है, वो है एक IRCTC और दूसरा है इजी टिप रनर। तो बाकी कंपनीज भी कोशिश कर रहे हैं इस सेगमेंट में एंटर होने का और इस सेगमेंट में ग्रोथ होने का। तो इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना, और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न है उस हिसाब से मुझे लगता है अगर करेक्शन हुआ, इस 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे जाना स्टार्ट करे तो 38 रुपीज़ तक आने का चांसेस है, जो इस कंपनी की एक स्ट्रांगली सपोर्ट रेंज है। बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सुजलोन एनर्जी लिमिटेड। तो सुजलोन एनर्जी के ऊपर बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए सुजलोन एनर्जी के ऊपर जो मुझे एक पॉजिटिव थिंकिंग देखने को मिला था वो है क्वार्टर रिजल्ट में। आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर बहुत दिनों के बाद ईयर ऑफ ईयर बेसिस में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। अभी क्या इस ग्रोथ कंटिन्यू होने वाला है, उसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस साल भर में देखना पड़ेगा। देखिए पिछले साल में जो 5,900 करोड़ का टोटल सेल्स था वो इस बार बढ़ के 6,000 करोड़ बना, छोटा मोटा सेल्स बढ़ा, अराउंड आप बोल सकते 50 करोड़ के आसपास, तो सेल्स तो छोटा मोटा बढ़ा। अभी कंपनी एक्सपेंस को मिटाने के बाद क्या सही में कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होने वाला है? देखिए उसको अगर देखूँ तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले सालों के तुलना से इस बार बहुत कम दिखा रहा है। इसमें चिंता करने का कोई बात नहीं, यहाँ पे जो प्रॉफिट दिख रहा है एक्चुअली कंपनी के आधा से इनकम में था। आधा से इनकम मतलब क्या है? देखिए बेसिकली कंपनी क्या क्या खुद के बिजनेस, बहुत सारे सुजलोन का बहुत सारे अलग अलग बिजनेस था, वो सारे बिजनेस को बंद कर दिया गया, सारे बिजनेस को बेच दिया, जिसका पैसा कंपनी खुद के सुजलोन बिजनेस के ऊपर लेके आए, मतलब खुद के जो विंड प्रोजेक्ट बिजनेस है उसके ऊपर लेके आए, इसलिए कंपनी के एक्स्ट्रा यहाँ पे आधा से इनकम देखने को मिला। तो देखिए सबसे पहले मैं ये बार बार बोलता हूँ, आप न्यूज़ को देखिए, कंपनी के अंदर के बात जानिए, तभी आपको डर नहीं लगेगा कि हाँ चलो पिछली बार प्रॉफिट ज़्यादा हो गया था इस बार कम हुआ तो क्या हो जाएगा। एक्चुअली आप खुद ही देख लीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या सही में ज़्यादा था? बिल्कुल नहीं। पिछले साल में तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम था, इस बार वो ज़्यादा देखने को मिला, इसका मतलब कंपनी का बिजनेस तो ठीक ठाक ही चल रहा है। अभी धीरे धीरे करके कंपनी कोशिश कर रहे आगे बढ़ने का, क्योंकि विंड एनर्जी एनर्जी में इंडिया के सबसे बड़े कंपनी है सुजलोन एनर्जी, क्योंकि विंड प्रोजेक्ट में आज तक इतने बड़े प्रोजेक्ट किसी कंपनी ने नहीं किया, इतने बड़े बड़े दिग्गज, अदानी ग्रुप आया, टाटा भी आया, तो वो अभी सरकारी कंपनी भी आए तो सुजलोन को बीट नहीं कर पा रहा, तो सोचिए कितना बड़ा कंपनी और कितना ग्रोथेबल कंपनी बन सकते हैं फ्यूचर में। तो बाकी देखिए हाई रिस्क कंपनी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कल ही जाकर आँख बंद करके निवेश कर दीजिए, तो पहले आपका जो सेबी रजिस्टर एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिएगा, क्योंकि हाई रिस्क कंपनी है, आपको लॉसेस देने के लिए एक पल भी आपको सोचने वाला टाइम नहीं देंगे, इतनी हाई रिस्क कंपनी है। और बेसिकली कंपनी के ऊपर देखिए, जब से कंपनी ने बाकी सारे कंपनी प्रोडक्ट को बेचकर सिर्फ विंड प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान दिया है, तब से लेकर देखिए इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर तगड़ा माल खरीदना स्टार्ट कर दिए। तो DIS ने अच्छा खासा माल किया, माल खरीदारी किए, FIIs ने भी किया, और पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। हाँ मान लेता हूँ DIIs ने कुछ क्वांटिटी बेचा, उसका फ़ायदा डायरेक्टली इंस्टीट्यूशन उठा चुके हैं, मतलब FIIs ने उठा चुके हैं। तभी सुजलोन के ऊपर मेरा जो एक छोटा मोटा एक ट्रेड था वो कुछ काफी ध्यान पैटर्न्स बना था, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, मुझे लग रहा था कि वो ऊपर जाएगा मगर हुआ कुछ उल्टा, नीचे आ गए, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ मेरे सोचने में कुछ नहीं होगा,
किसी के सोचने में मार्केट नहीं चलेगा, मार्केट मार्केट के डिपेंडेंसी के ऊपर चलेगा, खुद के बायर सेलर के ऊपर एक्टिविटीज़ के हिसाब से चलेगा। तो इसलिए अगर आपको भरोसा है कि हाँ सही तरीके से सही डिसीजन आपने लिया, तो आपको पेशेंस के साथ बने रहना होगा। अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो आपको, मुझे लगता है, जल्द से जल्द कुछ कुछ मतलब माल बेचने का डिसीजन लेना चाहिए। तो बाकी देखिए, बाय करना सेल करना आपके हाथ में है, मेरा काम है सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करना, आपका काम है उसके ऊपर रिसर्च करके काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है न्यू टाइम्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो न्यू टाइम्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो 900 करोड़ का कंपनी है, छोटा सा कंपनी है, फिर भी एक बहुत बड़ा अपडेट कंपनी दे चुके हैं। देखिए कंपनी पिछले एक 2010 में एक बार कंपनी बोनस दिया था, इस बार 2000 मतलब 2024 में फिर से एक बार बोनस देने वाले हैं, और वो भी कब, 21 तारीख को आपको बोनस मिलेगा मई मंथ में, और वो भी 1:2 रेशियो का, मतलब एक के बदले 2 शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।